महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्र का वध कर दिया। उनके इस पाप की सजा वह आज भी भुगत रहे हैं। उनको मिले एक श्राप के कारण माना जाता है कि अश्वत्थामा जीवित हैं और दर दर भटक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया था। उनका मानना था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या कर दी। इसलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न भी छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु नहीं देख पाओगे, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और कष्ट भोगोगे। मध्य प्रदेश के एक किले में अश्वत्थामा को देखने की बात मानी जाती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करते हैं, और यहाँ के लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाओं को भी सुनाते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जीवित नहीं रहा या उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने के पहले इस किले में स्थित तालाब में स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही गई है। गौरी घाट के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है।